हेलो दोस्तों, नमस्कार। SMKC चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सो दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ज़रूर कहना चाहूँगा, आज के दिन भी बहुत सारे वीडियोस आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। कितने सारे वीडियोस आए, सारे वीडियोज़ को जरूर स्टडी कर लेना। फर्स्ट टाइम विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को हिट करना एंड फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। लिंक ऊपर आए बटन पे या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर एंड एक और IPO के बारे में। यस, बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट किया था दो IPO के बारे में, तो एक IPO ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ, देन और एक IPO अभी हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रहा है, रोलेक्स रोल्ड रिंग्स। यस, इस कंपनी के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। सो रोलेक्स तो आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है घड़ी की बात, तो दोस्तों ये कोई घड़ी वाली कंपनी नहीं है, हम कह सकते हैं ऑटो सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है, राइट। क्योंकि अगर आप लोग रोलेक्स रिंग करके भी सर्च करोगे तो आप लोगों को रोलेक्स से ही जुड़े हुए जो घड़ी से जो सिंबल रहता है आप लोगों को पता ही है उनका, जो उससे रिलेटेड ही कुछ प्रोडक्ट्स देखने को मिल जाएंगे। सो एनीवेज, अभी हम लोग बात करने वाले रोलेक्स रोलेड रिंग्स की। सो ये कंपनी कब की है, 2003 में हम लोग को शुरू होते हुए देखने को मिली। ये कंपनी आ जाती है अमंग द टॉप 5 फॉर्जिंग कंपनीज इन इंडिया, जो कि आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हो। सो कंपनी मैन्युफैक्चर यहाँ पे करती है, क्या काम करती है यहाँ पे, क्या बनाती है, तो आप देख सकते हो हॉट रोल फॉर्जेट एंड मशीन बेयरिंग, उसी के साथ साथ मतलब मशीन बेयरिंग के जो रिंग्स रहते हैं वो, एंड उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स यहाँ पे हम लोग बनाते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाती है। अभी ऑटो सेक्टर की बात आ रही है तो अलग अलग टाइप के ऑटो सेक्टर रहते हैं, तो कौन कौन से सेगमेंट में इन्वॉल्व है, तो आप देख सकते हैं पैसेंजर व्हीकल में है, टू व्हीलर्स के रिलेटेड भी जो चीज़ें हैं वो अपने प्रोडक्ट्स को प्रोवाइड करती है, कमर्शियल व्हीकल्स की अगर हम लोग बात करें वहाँ पे भी उनका अच्छा योगदान है, इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए भी ये कंपनी काम कर रही है, उसी के साथ साथ ऑफ हाईवे व्हीकल्स की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें वहाँ पे भी काम हम लोग को देखने को मिलता है इनका, इंडस्ट्रियल मशीनरी से लेके अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो विंड टर्बाइंस, उसी के साथ साथ रेलवेज, इन सारे इसमें इन कंपनी का मतलब योगदान हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। प्लस दोस्तों, अगर हम लोग यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे और भी अलग अलग चीज़ों में इनके प्रोडक्ट्स हम लोग को यहाँ पे जाते हुए देखने को मिल जाते हैं, जो कि यहाँ पे लिखे हुए आप लोग देख सकते हैं, जो इनके स्टील के जो बेयरिंग्स है अगर हम लोग यहाँ पे उनकी बात करें, जो कि अलग अलग वेट कैरी यहाँ पे करते हैं, वो भी अलग अलग डिफरेंट इंडस्ट्री में जाते हैं, जैसे कि ऑटोमोटिव की तो हम लोगों ने पहले ही बात की, देन इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर में भी ये चीज़ें हम लोग को जाती हुई देखने को मिलती है, रेलवेज में जाती हुई देखने को मिलती है, रिन्यूएबल एनर्जी में ये चीज़ें जाती हुई देखने को मिल जाती है। सो हम लोग कह सकते हैं उनका मेन टारगेट तो यहाँ पे ऑटो सेक्टर से रिलेटेड देखने को मिलता है, बट बाकी इंडस्ट्री में भी इनका हम लोग को बहुत ही अच्छा तरीके से योगदान देखने को यहाँ पे मिल रहा है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो क्या कंपनी के जो प्रोडक्ट्स है जो सप्लाई होते हैं क्या सिर्फ इंडिया में होते हैं, ऐसा नहीं है, दोनों जगह पे डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल में भी इन कंपनीज़ के हम लोग को पार्ट्स जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो जो इनके जो बेयरिंग रिंग्स है एंड ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, एज़ पर द 2020 का जो डेटा यहाँ पे अवेलेबल है, सो यहाँ पे लगभग वो 17 डिफरेंट कंट्रीज़ को यहाँ पे एक्सपोर्ट करते हैं, जहाँ पे कुछ पॉपुलर नाम मैं लेना चाहूँगा, फ्रांस है, इटली है, जर्मनी है, थाईलैंड है, चेक रिपब्लिक है, उसी के साथ साथ USA है, एंड और भी आप लोगों को अलग अलग कंट्रीज़ यहाँ पे मिल जाएंगे। तो डोमेस्टिक के साथ साथ इंटरनेशनल लेवल से भी इनका रेवेन्यू यहाँ पे जनरेट हो जाता है। देन करंटली मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स की बात करें तो 3 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हम लोग को यहाँ पे देखने को फिलहाल तो यहाँ पे मिल रहे हैं। सो डेटा तो बहुत ही अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। देन कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ की बात करें तो ये कंपनी बाकी कंपनी से कैसे खुद को अलग यहाँ पे नज़र आ जाती है, तो वो अगर आप देखना चाहोगे तो आप देख सकते हैं, अमंग द लीडिंग फॉर्जिंग कंपनीज इन इंडिया, ठीक है, स्ट्रॉन्ग मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़, ठीक है, कॉम्प्रहेंसिव प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, जियोग्राफिकल डाइवर्सिफाइड रेवेन्यू बेस, स्ट्रॉन्ग एंड कंसिस्टेंट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ट्रैक रिकॉर्ड, ठीक है, तो ये कुछ इनके कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। कंपनी के कुछ प्रमोटर्स अगर आप पढ़ना चाहते हो उनके बारे में तो इनका भी डेटा यहाँ पे फिलहाल लिखा हुआ है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कंपनी के फाइनेंशियल्स, यस, ये लॉन्ग टर्म वालों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर कोई लॉन्ग टर्म के लिए इस कंपनी को देखना चाहता है, इंटरेस्टेड है, तो उनके लिए एटलीस्ट कंपनी के अर्लियर ट्रैक रिकॉर्ड क्या रहे फाइनेंस से रिलेटेड, कितना पैसा आ रहा है एंड कितना मेंटेन हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, वो देखना इंपॉर्टेंट है। सो फिगर्स इन मिलियन से आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। तो सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगा, ये मार्च 18, 19, 20 एंड सितंबर 20, मतलब ये डेटा आप चाहो तो थोड़ा इग्नोर कर सकते हो, ये बाकी तीनों डेटा 12 मंथ का है, ये वाला डेटा की अगर मैं बात करूँ सिर्फ 6 मंथ का है। सो डायरेक्टली कंपेयर करोगे तो आप लोगों को वो कम ही नज़र आ जाएगा, ठीक है, कोई बात नहीं। असेट्स की बात कर ले, 8,000, 7,800, 6,800, तो दोस्तों आप देख सकते हैं, इसको मैं अवॉइड कर लेता हूँ, असेट भी हम लोग को यहाँ पे थोड़े से
कमज़ोर होते हुए देखने को मिल रहे हैं, डिमिनिशिंग मैनर में देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। ठीक है, टोटल रेवेन्यू की बात करें तो 7,900, 9,000 एंड उसके बाद 6,700, मतलब इतना तो मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि कोविड का इम्पैक्ट इस कंपनी के ऊपर बहुत ही शानदार देखने को यहाँ पे मिल रहा है। शानदार मतलब अच्छी बात नहीं है, बट कंपनी का बिजनेस इसके चलते बहुत ही अच्छा खासा इम्पैक्ट यहाँ पे नेगेटिवली हो चुका है। प्रॉफिट की भी बात करें तो 728,590 या फिर आप बोल सकते हो 72 करोड़ का प्रॉफिट, 59 करोड़ का प्रॉफिट एंड अभी 53 करोड़ का प्रॉफिट। सो कंपनी का प्रॉफिट भी पिछले 3 साल से कंसिस्टेंटली डाउनफॉलिंग में जाते हुए देखने को मिल रहा है। तो इसका अर्थ ये नहीं कि कंपनी ख़राब है या फिर इंडस्ट्री की अगर हम लोग बात करें तो ऑब्वियसली स्ट्रगलिंग इंडस्ट्री में हम लोग को यह सारा डेटा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इनके कॉम्पिटिटर्स में भी हमें ज़रूर यहाँ पे थोड़ा सा खराब परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगा। अगर हम लोग नेक्स्ट 6 मंथ की बात करें तो 6 मंथ का परफॉर्मेंस भी आप देख सकते हो। अगेन कह रहा हूँ, इसको डायरेक्टली कंपेयर मत करना वरना गलत नंबर यहाँ पे आपके सामने आ जाएंगे, बट ओवरऑल भी अगर 6 मंथ का भी डेटा देख लेंगे सो ठीक ठाक ही परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। सो इतना ही सिर्फ ये प्रॉफिट का डेटा, रेवेन्यू का डेटा देख के मुझे एक बात तो पता चली कि फिलहाल तो इसको मैं लॉन्ग टर्म के लिए तो अवॉइड ही करने वाला हूँ। फिलहाल ऐसी बात नहीं, एक बार लिस्ट होने दो, उसके बाद हम लोग कंसिस्टेंटली इसको ट्रैक करेंगे। उसके बाद अगर अच्छी लगी, कंपनी कमबैक कर रही ऐसा अगर लगा तो डेफिनेटली इसमें हम लोग आगे बढ़ सकते हो। बट प्राइम फेसी एविडेंस इतना तो मैं कह सकता हूँ कंपनी के नंबर देख के कि लॉन्ग टर्म के लिए तो फिलहाल आपके दिमाग में कंपनी, मतलब आप IPO में अप्लाई कर रहे हो तो फिलहाल अभी आप लोगों का एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि लिस्टिंग गेन फिलहाल के लिए। लॉन्ग टर्म के लिए बाद में हम लोग इसको ज़रूर यहाँ पे ट्रैक कर लेंगे। जो पैसा यहाँ पे कंपनी लेने वाली है IPO के थ्रू, तो उसका इस्तेमाल किस में करेंगे, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट आप देख सकते हैं, फंडिंग उसी के लिए एंड जनरल कॉरपोरेट पर्पस। देन दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़, बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे सर इससे रिलेटेड IPO से रिलेटेड वीडियो बना दीजिए, पर दोस्तों मैं बताना चाहूँगा इससे रिलेटेड अभी भी प्रॉपर डेटा सामने नहीं है, थोड़ी सी इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन हमारे सामने है। बट कोई बात नहीं, क्योंकि मैक्सिमम जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है जिसके चलते हम लोग डिसीजन लेते हैं वो यहाँ पे 100% अवेलेबल है। 100% मतलब लॉन्ग टर्म की अगर हम लोग बात करें तो प्रॉफिट वाला डेटा हमारे सामने था, रेवेन्यू का था, तो इससे तो हमें पता चला कि लॉन्ग टर्म के लिए फिलहाल तो यहाँ पे जाना नहीं है। एंड लिस्टिंग गेन के लिए अगर आप आगे बढ़ते हो तो कौन सा डेटा चाहिए होता है हमें, ऑब्वियसली ग्रे मार्केट प्रीमियम, तो वो भी डेटा अवेलेबल है। पर कुछ डेटा मिसिंग है, जैसे कि टोटल इशू का साइज़ कितना रहेगा, OFS कितना रहेगा एंड फ्रेश इशू कितना रहेगा, उसी के साथ साथ कंपनी ये जो IPO लाने वाली उसका प्राइस बैंड क्या है वो भी एग्जैक्टली पता नहीं है। पर सर बाकी इसमें तो देखने को मिल रहा है दोस्तों, वो एस्टिमेटेड है। चलो मैं आप लोगों को वो भी दिखा देता हूँ, जितना डेटा अवेलेबल है वो पहले दिखा देता हूँ। तो ये 28 तारीख को ओपन होने वाला है, 28, 29, 30, 3 दिन यहाँ पे ओपन रहेगा। बुक बिल्डिंग मतलब 2 प्राइस बैंड रहेंगे, फेस वैल्यू 10 रुपये का। अभी ये देखिए IPO का प्राइस बैंड अभी तक प्रॉपरली यहाँ पे आया हुआ नहीं है, अभी एस्टिमेटेड कितना है तो चलिए उसके ऊपर आ जाते हैं, मतलब अंदाज़ा हम लोग यहाँ पे व्यक्त करेंगे। बट उससे पहले और भी कुछ देख लेते हैं, ये देखिए मिनिमम कितना है, अभी तक यहाँ पे डेटा नहीं है। NSE BSE के ऊपर ये लिस्ट होने वाली है यहाँ पे, टोटल इशू साइज़ भी यहाँ पे एग्जैक्टली नहीं पता है। फ्रेश इशू OFS कितना रहने वाला है वो मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो जितना डेटा अवेलेबल था वो मैंने बता दिया, अभी एस्टिमेटेड डेटा की ओर आ जाते हैं। ये है एस्टिमेटेड डेटा। रोलेक्स रिंग की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें थे तो ये देखिए अभी हम लोग बात करेंगे, क्या लिखा है IPO की साइज़ 700 करोड़, बट क्या लिखा है उसके पहले अप्रॉक्सीमेटली, मतलब एग्जैक्टली डेटा नहीं है, बट चल जाएगा। हमें क्या करना है, 700 हो 7,000 हो, अगर आप लिस्टिंग गेन के लिए जाना चाहते हो तो ग्रे मार्केट प्रीमियम उसको ही हम लोग को यहाँ पे देखना है। फ्रेश इशू की बात करें 700 में से 70 CR लगभग फ्रेश इशू रहने वाला है, बहुत ही कम फ्रेश इशू है, मतलब ये पैसा कंपनी के पास जाएगा। बट अगेन बहुत ही ज़्यादा कीमती वर्ड अप्रॉक्सीमेटली, ये चीज़ें, ये जो फिगर है वो चेंज हो सकती है। OFS की बात करें तो 630 का OFS यहाँ पे रहेगा, मतलब टोटल आप देख सकते हैं 700 में से सिर्फ 70 कंपनी के पास, बाकी जो यहाँ पे माल बेच रहे हैं उनके पॉकेट में ये पैसा यहाँ पे जाने वाला है, जो कि अच्छी बात नहीं है। ज़्यादा पैसा फ्रेश इशू में होना चाहिए, कोई बात नहीं। फेस वैल्यू 10 का है। प्राइस बैंड अगेन यहाँ पे आप देख सकते हो क्या लिखा है, 850 से लेके 860, बट ब्रैकेट में देखिए एस्टिमेटेड, अभी तक परफेक्ट फिगर सामने यहाँ पे नहीं आया है, तो ये पॉइंट आपको नोट करके चलना है। बट अगेन सेम चीज़, चलो 850 हो, 860 हो, 960 हो, हमें क्या करना है, हमें तो अगर अप्लाई ही करना है लिस्टिंग गेन के लिए तो कट ऑफ प्राइस आप सभी लोग पता है, ये एक ही ऑप्शन यहाँ पे रहता है। देन अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो NSE BSE के ऊपर लिस्ट होने वाला है। खास बात ये है कि ये वाला IPO मैक्सिमम लोगों को लग सकता है 35% रिटेल कैटेगरी के लिए ओपन है। सो मैक्सिमम अगर कोई मल्टीपल अकाउंट से ओपन करता, मतलब अप्लाई करता है यहाँ पे, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि यहाँ पे आप लोगों को ये IPO यहाँ पे लग सकता है। सो यहाँ पे हम लोग कह सकते 35% रिटेल कैटेगरी के लिए रखा है, तो आप लोग ज़रूर इसके बारे में विचार कर सकते हो। देन अगर हम लोग बात करें जो साइज़ यहाँ पे रहने वाली है,
मिनिमम 17 शेयर्स की अगर हम लोग बात करें लॉट की, तो आपको पता है 15,000 के अंदर ही रहेगा, एंड मैक्सिमम अगर आप लोग जाते हो तो 221 शेयर्स आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएंगे, उसी के मल्टीपल्स में कर रहे हैं, मतलब 2 लाख के अंदर आप लोग यहाँ पे रह सकते हो। ये तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो कि आप लोगों को यहाँ पे पता है। देन दोस्तों जो इन्फॉर्मेशन रहता है कि 23 तारीख को हम लोग को यहाँ पे अनाउंसमेंट से रिलेटेड यहाँ पे बातें फिलहाल चल रही है, वो बाद में हम लोग देखेंगे। उसके बाद एंकर इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो चीज़ें रहती है 27 पे, वो भी ठीक यहाँ पे हो चुका है। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, एक्चुअली ओपन होने वाला 28 को, क्लोज होगा 30 को, 4 अगस्त को आपको अलॉटमेंट मिलेगा, 5 अगस्त को नहीं मिला तो रिफंड हो जाएगा, कभी 19-20 हो जाता है, ऊपर नीचे हो जाता है। 6 तारीख को आप लोगों को शेयर्स डीमैट अकाउंट में आ जाएंगे, एंड लिस्टिंग की तारीख है 9 अगस्त। सब कुछ यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे मैं बता चुका हूँ, सिवाय एक चीज़ के, एंड वो है ग्रे मार्केट प्रीमियम। अगर हम लोगों को यहाँ पे जाना है तो ऑलरेडी मैं बता चुका, लॉन्ग टर्म के लिए तो वैसे भी हम लोग जाते ही नहीं है, अनटिल एनालिस्ट कोई बहुत बड़ी कंपनी, फिलहाल तो ये लॉन्ग टर्म के लिए अवॉइड ही करना ठीक रहेगा। कंपनी का परफॉर्मेंस कंसिस्टेंटली थोड़ा खराब देखने को मिल रहा है, क्या लिस्टिंग गेन के लिए कंपनी के लिए जाना चाहिए? अभी उसके लिए तो ग्रे मार्केट प्रीमियम अच्छा होना चाहिए। तो चलिए फिलहाल का ग्रे मार्केट प्रीमियम देख लेते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया, इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है, आप देख सकते हो 25 जुलाई की बात करूँ तो 550 का फिलहाल यहाँ पे ग्रे मार्केट प्रीमियम यहाँ पे चल रहा है। एंड अगर मैं 550 को एज एन अ ग्रे मार्केट प्रीमियम कंसिडर करता हूँ, एंड इसके प्राइस बैंड कितना चल रहा था यहाँ पे अगर हम लोग देख लेते, 860 पे मैं पकड़ लेता हूँ। सो 550 एंड 860 अगर आप डिवाइड करोगे तो समवेयर अराउंड 60-65% के आसपास ग्रे मार्केट प्रीमियम देखने को मिल रहा है, जो कि कभी भी चेंज हो सकता है, कभी 50 हो सकता है, कभी 40 हो सकता है, कभी 80 भी हो सकता है। बट फिलहाल जो डेटा अवेलेबल है उसके हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो 60% के आसपास हम लोग कह सकते हैं फिलहाल यहाँ पे लिस्टिंग गेन एक्सपेक्ट कर सकते हैं करंट सिचुएशन के हिसाब से। ये सिचुएशन कभी भी चेंज हो सकती है दोनों साइड में। सो अगर इस आईपीओ की तो एक बात तो बहुत ही क्लियर हो चुकी है कि लॉन्ग टर्म के लिए तो सोचना भी नहीं, फिलहाल बाद में हम लोग देख सकते हैं। लिस्टिंग गेन के लिए अगर किसी को रिस्क उठाना है, जो कि करंट लेवल के हिसाब से हम लोग 60 कह सकते हैं, अगर ये प्राइस बैंड अगर चेंज हो जाती है, ये तो एस्टिमेटेड है, अगर चेंज हो जाती है तो इसके हिसाब से कुछ अप्स एंड डाउन्स हम लोग को देखने को मिल जाएंगे। बट इतना तो हम लोग कह सकते हैं कि फिलहाल 50-55% के आसपास लिस्टिंग गेन अभी तो देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, जिस टाइप का प्राइस यहाँ पे बताया जा रहा है 550 पर शेयर का यहाँ पे ग्रे मार्केट प्रीमियम यहाँ पे चल रहा है। सो उसके हिसाब से अगर आपको रिस्क लेनी है तो हम कह सकते हैं 50% से ज़्यादा लिस्टिंग गेन अगर मिलेगा तो रिस्क लेने में एक हम कह सकते हैं कि आपके पास एक वैलिड जेन्यून रीज़न है, राइट? कुछ आईपीओ में जो लिस्टिंग गेन रहता है बहुत ही कम रहता है, 10-12%, वहाँ पे तो रिस्क लेना मतलब बहुत ही डेंजरस होता है। सो अगर आप चाहो तो इस आईपीओ के लिए भी लिस्टिंग गेन के लिए अगर आप चाहो तो विचार कर सकते हो, उसके लिए चाहो तो आप लोग रिस्क यहाँ पे ले सकते हो। सो आई आशा करता हूँ जो भी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल थी, मैं अगेन कहना चाहूँगा ये जो बाकी का डेटा था ये अप्रॉक्सीमेटली था, 100% डेटा कभी ना कभी यहाँ पे अनाउंस हो ही जाएगा, शायद से आज के दिन भी यहाँ पे हो सकता है, तो ज़रूर उसके अगर आप चाहो तो फोकस यहाँ पे रख सकते हो। सो फिलहाल वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।